अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अमीर अहम की किचन। आप देख रहे हैं अमीर अहम की किचन और मैं हूँ अमीर अहम। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज हमारे किचन में क्या बन रहा है? आज हम हमारे किचन में बन रहा है बड़ा ही मज़े का यखनी पुलाव बन रहा है, जो पंजाबी स्टाइल में बन रहा है और जो कि आप बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इस पुलाव का। और बड़ा ही यमी सा, बड़ा ही जूसी सा और झटपट बन जाता है बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में, घर के मसालों के साथ। और इतना खुशबूदार होता है कि इसकी खुशबू जब आप बना रहे होते हैं तो सारे किचन में इसकी फैल रही होती है। और इसकी यखनी का टेस्ट सारे चावलों में आया होता है और ये कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है और बहुत मज़ा आने वाला है आपको। और अगर आप देखना चाहते हैं कि पंजाबी पुलाव हमारे किचन में किस तरह रेडी हो रहा है मेरे अरम के किचन में, तो आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है, स्किप नहीं करना। और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे हमारी वीडियो में तो लाइक करना, शेयर करना और अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को। और इस तरह आपके लिए मज़े मज़े की रेसिपी इंशाल्लाह आती रहेंगी। चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो पंजाबी स्टाइल यखनी पुलाव बन रहा है हमारे किचन में। इसके लिए मुझे चाहिए हाफ के जी के जितना मैंने चिकन लिया और हाफ के जी राइस लिए, क्योंकि चावलों का जो है ना तनासब और गोश्त का तनासब एक जैसा हो तो फिर मज़ा आता है। चलिए जी, इसके लिए मैं बताती हूँ कि हमने पहले इसके दो स्टेप्स में रेडी कर रहे हैं। पहले स्टेप में इसकी यखनी रेडी होगी, इसका स्टॉक रेडी होगा और फिर हम इसका तड़का चावलों का रेडी करेंगे। तो इसको किया जा रहा है, इसमें जा रहा है मैंने 4-5 जवे लहसुन के लिए हैं, एक अदद एक इंच का टुकड़ा अदरक का, छोटी सी प्याज, 1 चम्मच सूखा धनिया, 1 चम्मच सौंफ और 1 चम्मच ज़ीरा और थोड़ा सा नमक इसमें बस हम ऐड कर रहे हैं। और इस सब ऊपर गर्म पानी में तकरीबन 1 लीटर के करीब मैंने पानी ऐड किया है पैन में, और चिकन सारे मसाले जिसमें बादियान का फूल भी है और थोड़े से गर्म मसाले डालकर हमने उसके ऊपर चढ़ा देना चूल्हे पर, और 1 टीस्पून के जितना मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। और आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 टीस्पून काफ़ी रहता है। 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच ही मैंने सूखा धनिया, गर्म मसाले थोड़े से जिसमें बादियान का फूल, दालचीनी और लौंग वगैरह और नमक और छोटी सी प्याज डाल के इसे 20 मिनट के लिए पकने के लिए रखते हैं। 15 से 20 मिनट के लिए जब यह पकता रहेगा तो इसका कलर देखिए ज़रा चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे ही इसका चेंज होगा तो इसका सारा जो सूखा धनिया और उसका सारा जायका, गर्म मसाले जितने भी हमने डाले हैं, जो कुछ डाले उसका इन्फ्यूज़ हो जाएगा पानी में और चिकन में। इसलिए इतना खुशबूदार बनता है, जब यखनी निकल रही होती है तो पता चल जाता है कि कितनी मज़े का पुलाव बनने वाला है। उतने में हम चावलों को सोख कर लेते हैं। मैंने इधर 500 ग्राम के जितनी इनके आधा किलो के जितने चावल लिए हैं, आधा किलो चावल लेकर मैंने इसको भिगोने लगी हूँ। और जितनी देर में हमारी यखनी रेडी होती है हम उसका मसाला रेडी करते हैं, तड़का रेडी करते हैं और फिर हम चावलों को भिगो कर चलते हैं रेसिपी की तरफ। चले जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने ऐड कर दिया कढ़ाई में, और तकरीबन आधा कप के जितना मैंने ऑयल ऐड किए, आधा कप के जितना ऑयल ऐड करके इसमें हम ऐड करते हैं थोड़े से गर्म मसाले, जिसमें मैंने बड़ी इलायची, दालचीनी और थोड़े से गर्म मसाले, बिल्कुल थोड़े से, क्योंकि हमने इसमें स्टॉक में भी ऐड किए हुए हैं तो हमें बस थोड़ी सी खुशबू देनी है। थोड़ा सा कड़कड़ा लें ये ऑयल में, तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे प्याज, और जैसे इसकी थोड़ी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो साथ ही हम प्याज ऐड कर देंगे। प्याज मैंने एक मीडियम साइज़ की ली है, मीडियम साइज़ की प्याज लेके इसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, और ब्राउन ही करना है, कोई इसका कलर लाइट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब पुलाव में पंजाबी पुलाव का कलर थोड़ा सा ब्राउनिश होता है तो उसी यही इसकी खूबसूरती है, और जो इसका खुशबू होती है यखनी की वही इसकी इसको 4 चांद लगाते हैं। चलिए जी, इसको फ्राई करते हैं अच्छी तरह और फिर हम चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये देखिए जी, फ्राई होना शुरू होने लगा है बस, और साथ ही मैंने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर दिया था ताकि जल्द, एक तो इससे ये होता है कि जल्दी, बहुत जल्दी फ्राई हो जाता है प्याज। ये यखनी हमारी बिल्कुल रेडी थी तो मैंने इस यखनी को, मैंने चूल्हा उसका बंद करके इसको हम कर लेंगे, छान लेंगे किसी भी छलनी से, मैंने बाउल नीचे रख लिया और मैं छान लूँगी। ये देखें जी, स्टॉक को अलहदा कर लेंगे, चिकन को अलहदा कर लेंगे, और इससे ये होगा कि हमें जो इसके स्टेन करना था हमें स्टेन भी कर लेंगे इसमें से, जो गर्म मसाले हमने निकालने होंगे और वो भी इससे सारे निकल जाएंगे, और चिकन को हम यूज़ कर लेंगे और स्टॉक उसका यूज़ कर लेंगे। तो इस तरह हम करके इसको, इस टाइम पे हम यखनी अगर बच भी जाए तो हम यखनी को हम फ्रीज़ कर सकते हैं, किसी दाल सब्ज़ी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही मज़े का टेस्ट बन जाता है और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करते हम लोग, तो इसको स्टॉक को क्या करते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं अगर बच जाए तो अगर आपको भी बच जाए तो ये वाला स्टॉक, तो ये बहुत मज़े का लगता है, दाल सब्ज़ी किसी में भी डालें तो बहुत मज़ा आता है। चलिए जी, ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे प्याज जो है वो ब्राउन होना शुरू हो गए, और हम थोड़ा सा इसका कलर ब्राउनिश ही करना होता है, क्योंकि पंजाबी पुलाव का कलर ब्राउन होता है। और
इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा, और इसको फ्राई करेंगे। और ये देखिए जी, मैंने पानी साथ ही, पानी मैंने नहीं स्टॉक वाला डाला है, स्टॉक डाल के साथ ही थोड़ा सा फ्राई किया। और उसके बाद मैंने चिकन जो निकाली थी स्टॉक में से वो डाल दी, साथ ही एक टमाटर बड़े साइज़ का काट के मैंने डाल दिया है। और इसको हमने फ्राई करना है क्योंकि चिकन हमारा काफ़ी हद तक तो कुक हुआ पड़ा है, हम बस फ्राई करेंगे तो इसमें बाकी जो है वो भी कुक हो जाएगा। यह डन तो पहले ही था, बस थोड़ा सा फ्राई करना है इसमें। जैसे हम फ्राई करना शुरू करेंगे इसका कलर और वाइटिश से थोड़ा सा ब्राउनिश हो जाएगा, जो कि इतना खूबसूरत लगता है पुलाव में जब ये चिकन की बोटियाँ पड़ी होती हैं तो बहुत प्यारी लगती हैं। चलिए जैसे अच्छी तरह भूनते हैं थोड़ा सा और 5 मिनट के लिए, तो फिर आपको बताते हैं क्या क्या करना है। इस टाइम हमारे किचन से इतनी कोई प्यारी खुशबू आ रही है, और मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के, 1 टीस्पून भर के सिर्फ लाल मिर्च के ऐड कर रही हूँ। नमक तो पहले ऐड किया, इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा मसाले नहीं जा रहे हमारे यखनी पुलाव में, और इस स्टॉक ऐड कर रहे हैं। तकरीबन 5 मिनट भूनने के बाद मैंने लाल मिर्च ऐड करके इसमें मैंने स्टॉक ऐड कर दिया अपने चावलों के हिसाब से। मैंने इसमें 2 कप भर के पानी रखा डाला है, और आप अपने चावलों के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने इसमें भर के 2-2.5 गिलास पानी डाल दिया था, और इसको पकने के लिए रखते हैं। जैसे ये बॉयल होगा, इसका पानी बॉयल होता है, तो इसमें चावल ऐड करते हैं और बताते हैं आपको क्या। और साथ ही मैंने इसमें काट के हरी मिर्ची नहीं डाली, साबित हरी मिर्ची से मुझे लगता है कि ज़्यादा प्यारी लगती हैं, और इससे अगर बच्चों को या बड़ों को भी, इवन के बच्चों के खाने में भी आसानी रहती है, वरना मेरे बच्चे बहुत तीखा खाना खा नहीं सकते। तो ये देखिए जी, पानी को बॉयल आ गया, साथ ही मैं इसमें चावल अब ऐड करने लगी हूँ। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, चावल ऐड करके इसे पकने के लिए रखते हैं। और कितनी देर दम देना है, कैसे देना है, सब इंशाल्लाह आपसे शेयर करेंगे। और आपने वीडियो को लास्ट तक वॉच करना है और शेयर करना है अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को और अमीर रहमान किचन को, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी लेटेस्ट सी वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें, और आप हमारे अमीर रहमान किचन का हिस्सा बने। ये देखें जी, चावलों को पानी तकरीबन नियर टू ड्राई था, तो मैंने इसको बस दम देने वाली हूँ, और पानी ड्राई हो गया है बिल्कुल। और बस ये जी हमारे चावल जा रहे हैं दम पे जी, बिस्मिल्लाह जी, मैंने दम दे दिया है। और उसके बाद जब 10 मिनट बाद देखते हैं इसे क्या सिचुएशन है। 10 आफ्टर 10 मिनट्स जब मैंने चावलों को दम 10 से 15 मिनट बाद देखा, तो माशाल्लाह चावल हमारे रेडी थे, और इसको हल्का हल्का हिला के देख रही तो बिल्कुल माशाल्लाह रेडी हो गए थे चावल, और चावलों का कलर इतना प्यारा ब्राउनिश सा हो गया था। और चलिए सर्व करते हैं, बताते हैं कि सर्व करते हैं और देखते हैं कि हमारे चावल किस तरह के आपको लग रहे हैं। ये देखिए जी, हमारे माशाल्लाह खिले खिले से चावल, और जूसी से, और ऑयली इसलिए क्योंकि जब तक हम चावलों में ऑयल नहीं डालते ना पुलाव में, तो पुलाव जो है ना वो खिल के निकलता नहीं है। पुलाव में ऑयल थोड़ा सा निस्बतन ज़्यादा डालना चाहिए, ताकि चावल ज़रा खिले और प्यारे भी लगते हैं, वरना ड्राई ड्राई चावल बनते हैं, इससे जूस जूस चावल बनते हैं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारे कितने प्यारे चावल रेडी हो गए हैं। और अगर आप भी बनाना चाहते हैं बिल्कुल इसी टाइप के पंजाबी स्टाइल चावल, तो आपने हमारे चैनल को करना है सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक करना है लास्ट तक वॉच। और अगर कुछ भी अच्छा लगे हमारी वीडियो में, तो लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने फ्रेंड फैमिली के साथ। अच्छी सी रेसिपी में फिर मिलेंगी इंशाल्लाह। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।